बहुत स्वागत पांच की आंख देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो इंदौर से आ रही है। बड़ी खबर, विजयनगर पुलिस को जहां बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल, और फर्जी मार्कशीट गिरोह का सरगना गिरफ्तार किया गया है, रांची से गिरफ्तार किया गया। खास बात, जेएनयू का ये पूर्व छात्र है और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। 10 से ज्यादा राज्यों में नेटवर्क इसने फैलाया हुआ था। विजयनगर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। फेक मार्कशीट गैंग के सरगना को धर दबोच लिया गया है। तो रांची से इसकी गिरफ्तारी हुई है, लंबे अरसे से इसकी तलाश थी। फर्जी मार्कशीट गिरोह, बड़ी खबर आपको बता दें, विजयनगर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। रांची से गिरफ्तारी हुई है, जेएनयू का पूर्व छात्र, यूपीएससी की इसने तैयारी भी की थी। 10 से ज्यादा राज्यों में इसने अपना पूरा नेटवर्क फैलाया हुआ था। अब इसके जरिए इसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा, यह दावा किया जा रहा है। रांची से इसे पकड़ा गया है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। जेएनयू का पूर्व छात्र है ये, यानी कि जेएनयू का छात्र रह चुका है, पढ़ाई की थी जेएनयू से और अभी फिलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, ये जानकारी मिल रही है। फेक मार्कशीट गैंग ये चला रहा था और 10 राज्यों में इसका नेटवर्क ललित फैला हुआ था। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? चलिए मिथिलेश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह की अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 10 से ज्यादा राज्यों में नेटवर्क, एक बार फिर कोशिश करते हैं। मिथिलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी, आपको आवाज मिल रही है? जी ललित, मैं बताना चाहूंगा, 35 लोगों का ये गिरोह है और 35 लोग के गिरोह का जो पूरा नेटवर्क है वो सोशल मीडिया से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 10 से ज्यादा नेटवर्क है और दिल्ली एजुकेशन बोर्ड, यूपी एजुकेशन बोर्ड, बिहार एजुकेशन बोर्ड सहित अलग अलग राज्यों के एजुकेशन बोर्ड के मार्कशीट मिले हैं। कई कॉलेजों के मार्कशीट मिले हैं। प्रिंसिपल के जो सील होते हैं, सेक्रेटरी के जो सील होते हैं एजुकेशन बोर्ड से जुड़े हुए, और यहाँ तक कि कई सरकारी कार्यालय के भी इसके पास से सील मिले हुए। हाईली एजुकेटेड है, जेएनयू के पूर्व छात्र रह चुके, हिंदी और इंग्लिश में बेहतर कमांड है, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। जो पहनावा है, जो रहन सहन है, वो लग्जरी लाइफ स्टाइल है, यानी लग्जरी लाइफ स्टाइल के ये जो आरोपी है, शौकीन है, फ्लाइट से हमेशा यात्राएं करते थे, महंगे फ्लैट में रहते थे, महंगी महंगी गाड़ियां इनके पास, महंगे मोबाइल लैपटॉप, तमाम जो कुछ है इनके पास सब कुछ महंगे है, क्योंकि ये शौकीन थे लग्जरी लाइफ के, इसलिए इस प्रकार की बड़े अपराध की अंजाम दिया करते थे। तो कह सकते हैं मिथिलेश की अपने शौक को पूरा करने के लिए, अयाशी को अंजाम देने के लिए ये इस तरह का गैंग पूरा चला रहे थे। पहुंची कैसे इन तक पुलिस, क्या इस बारे में कोई लिंक पता चल पाया है कि किस तरह ये पकड़े गए, रडार पर आए? विजयनगर पुलिस ने कुछ दिन पहले ही एक दिनेश नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी फर्जी मार्कशीट के मामले को लेकर हुई थी। जब उससे पूछताछ हुई तो मुकेश नाम का एक कनेक्शन मिलता बिहार का, और मुकेश 15,000 रुपए में बीबीए और एमबीए की डिग्री दे देता था, मात्र 5 से 10,000 रुपए में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट बना देता था। और ये मार्कशीट बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार जो शिक्षा मंडल बोर्ड है और दिल्ली जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, उस बोर्ड के फर्जी मार्कशीट बनाए जाते थे। जब उस कनेक्शन को खंगाला गया, तब बारीकी से जांच की गई, तो एक बड़ा नाम सामने आता है और वो बड़ा नाम जो रहता है वो नेटवर्क रांची से निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मिथिलेश बने रहिएगा, लेकिन जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, मिथिलेश बने रहिएगा, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिथिलेश ने भेजी है वो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 से ज्यादा राज्यों में नेटवर्क। मिथिलेश, ये भी तय है 10 से ज्यादा राज्यों में नेटवर्क होना, मतलब कई नौकरियां इन्हीं फर्जी मार्कशीट के जरिए पाई गई होंगी। पुलिस की जांच में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अभी तक कई ऐसे नाम सामने आ चुके हैं कि इनके द्वारा बनाए गए फर्जी मार्कशीट से बड़ी कंपनियों में लोग बड़े पद में नौकरी कर रहे हैं। उनकी डिटेल पुलिस को मिल चुकी है और पुलिस ने जब उन लोगों को ये बताया, उनके ऑफिस तक जब मेल किया गया, उनको सूचना दी गई, तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि फर्जी मार्कशीट से जिन्होंने नौकरियां ली थी वो बड़े पद पर पहुंच चुके हैं, उनकी बड़ी सैलरी है। और ललित, मैं आपको बड़ी जानकारी देना चाहूंगा, इस पूरे मामले में भोपाल से 3 सरकारी कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया और उनकी जो संलिप्तता आ रही है फार्मेसी डिपार्टमेंट से, यानी इन लोगों ने जो फर्जी मार्कशीट बनाए थे उसके आधार पर, यानी इन्होंने फार्मेसी के फर्जी मार्कशीट बना दिए और उनको फार्मेसी के लाइसेंस भी मिल गए, बकायदा उनकी मेडिकल की दुकान भी है। तो अब पुलिस की जांच में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और ये यानी कि जो आप बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं उनकी कुर्सी भी हिल जाएगी इस पूरे खुलासे के बाद। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए भी जो हम एक्सक्लूसिवली यहां दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर।
तो कहीं हो रहे हैं खुलासे पर कहीं लगातार बना हुआ है सस्पेंस। बिल्कुल, मध्य प्रदेश मोहन कैबिनेट की यहां पर ललित बात करें जिसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात कैबिनेट में महिलाओं की भूमिका पर, और जब भी महिलाओं की भूमिका की बात आती है मुझे टॉस करना पड़ता है अपर्णा को, प्लीज। बिल्कुल, आधी आबादी कितनी हिस्सेदारी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजेपी ने इस बार लाडली बहना योजना के जरिए चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया, लेकिन सवाल कि मोहन कैबिनेट में ललित महिलाओं की क्या भूमिका रहने वाली है। जी, और इस बार जो भूमिका रहेगी, कई महिला विधायक हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो मंत्री पद की दावेदार बताई जा रही हैं, कई महिला विधायक तीसरी और चौथी बार सदन पहुंची हुई हैं। बिल्कुल, ऐसे में उनका नाम भी मंत्री पद की रेस में है। आलाकमान भी इस बात को बखूबी जानता है कि महिलाओं की भूमिका को किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, और यही वजह है सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू और बीजेपी की जो विधायक है कृष्णा गौर, वो महिलाओं में सबसे बड़े अंतर से जीती हैं। गोविंदपुरा से कांग्रेस के रविंद्र साहू को 1,00,000 वोटों से उन्होंने हराया है। बिल्कुल, अगर बात की जाए मालिनी गौर की तो इंदौर 4 सीट से 69,000 से ज्यादा मतों के अंतर से वो जीत कर आई है। तो इस बार के चुनाव में एक खास बात यह भी है कि जीत दर्ज करने वाली महिलाओं की संख्या इस बार ज्यादा रही है। कुल 26 महिलाएं सदन में पहुंची हैं, जिनमें से 20 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से हैं। और राज्य में जोरदार तरीके से सत्ता को बरकरार रखा गया। 6 कांग्रेस से हैं, इस पार्टी को हार हालांकि मिली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाली महिलाओं की संख्या केवल 20 थी। बिल्कुल, और अब आधी आबादी कितनी हिस्सेदारी, इस पर भी सस्पेंस हट जाएगा जैसे ही मोहन मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। तो अगर मध्य प्रदेश में मतदाताओं की बात कर ली जाए, ये तो हमने जो चुने हैं जनादेश जिन्होंने आपने जिनको दिया उनकी बात की, मतदाताओं की बात करें तो तकरीबन 5.60 करोड़ मतदाता और महिला वोटर्स हैं 2,72,00,000। बिल्कुल, और 2,88,00,000 पुरुष मतदाता हैं। और प्रदेश में 2023 के विधानसभा में 77.15% वोट पड़े हैं, महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत रहा 76.03%, और पुरुषों के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वो रहा 78.21%। अब मोहन कैबिनेट में महिलाओं को जगह देने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, दावे भी आपको सुनवा देते हैं। सकता है तो दे ना, अब तो मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो मोहन मंत्रिमंडल और महिला सशक्तिकरण, तो अपर्णा की पूरी कोशिश ये कि मोहन मंत्रिमंडल के आगे, सशक्तिकरण के आगे ये जो एक्सक्लेमेशन लगा है ये हटना चाहिए। यही प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं, यही केंद्रीय गृह मंत्री भी बार बार दोहराते हैं। तो आधी आबादी कितनी हिस्सेदारी, ये सवाल उठ रहा है ललित, जिस तरीके से आप बहुत एम्फेसिस के साथ बोले जा रहे हैं इस बात को। जाहिर तौर पर जब महिलाएं दिल खोलकर सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचती हैं, अपना वोट देती हैं, अपनी प्राथमिकताओं में वोटिंग को सबसे पहले रखती हैं, तो फिर उन्हें क्यों नहीं आगे रखा जाता है, सवाल तो बनता ही है। जूही वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ गई है। जूही जी का रुख कर लेते हैं। जूही जी, कि आपको भी जाहिर तौर पर एक महिला होने के नाते उम्मीद होगी कि इस बार महिलाओं को उनका हक दिखाई देगा कैबिनेट में मंत्री पद की शक्ल में भी। बिल्कुल, इस बार काफी उम्मीद है इस बात पे, और इसलिए क्योंकि 33% आरक्षण जो है वो अब बहुत जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो इस बार बीजेपी के कई सशक्त महिला चेहरे इस बार विधानसभा पहुंचे हैं। कृष्णा गौर ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है गोविंदपुरा से। इसके अलावा मालिनी गौर, नीना वर्मा जी जो पहुंची है, मालिनी गौर भी काफी समय से अपनी बारी के इंतजार में है। निर्मला भूरिया, प्रतिमा बागरी, प्रीति पाठक का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी। उषा ठाकुर तो है, फायर ब्रांड मंत्री रही है बीजेपी की, पहले भी इस बार है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है, ये उम्मीद की जा सकती है। तो इस बार जितने दमदार चेहरे और जितनी दमदारी से महिलाओं ने जीत दर्ज करके दिखाई है, उस पर तो ये अब पूरी उम्मीद बहुत मजबूती से बनती है कि इस बार मंत्रिमंडल में ज्यादा महिला चेहरे होंगे। उसका फायदा ये भी है कि अगर बीजेपी अभी महिलाओं को ज्यादा संख्या में मंत्रिमंडल में जगह देती है तो संभवतः लोकसभा में भी वो उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
जाहिर तौर पर लोकसभा में फायदेमंद होगा। एक बड़ी बात यह भी है कि तीन तलाक जैसे फैसले, इसके बाद 33% आरक्षण का फैसला, लगातार महिला वोटर्स का जो झुकाव है, जुड़ाव है, वो डाइवर्ट होकर सीधे बीजेपी पर आया है। क्या इसे भी एक बड़े तथ्य और तर्क के तौर पर जूही जी आप देखती हैं? बिल्कुल, एक बड़ा फोकस, जैसे आपने कहा कि बीजेपी की तरफ महिलाओं का फोकस, चाहे वो तीन तलाक की बात हो, 33% आरक्षण की बात हो, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं की बात करें, तो हम देखेंगे हर तबके के लिए कुछ ना कुछ एक अलग से प्लान है बीजेपी के पास, जो अलग अलग तबकों की महिलाओं का ध्यान एड ऑन और कर रहा हूं। जूही जी, एक वक्त वो था कि बुरखा पहनते वक्त ये बता दिया जाता था कि फला जगह तुम्हें थप्पा मारना है या बटन दबाना है, अब वो माइंड हटा है, मानस बदला है। जी प्लीज। जी बिल्कुल, ये मानस बदला है। हम इसलिए भी कह सकते हैं, जैसे आपने जो तीन तलाक की बात की, उसके बाद से जो एक बहुत उम्मीद थी, जो ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी का वोट पोलराइज हो रहा है, जो बहुत ज्यादा जो रेडिकल हो रहा है, हिंदुत्व की बात बहुत हो रही है, वो सब इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आया। जिस बंपर जीत के साथ बीजेपी विधानसभा में पहुंची है, उसको देखते हुए ये लगता नहीं है कि वोट पोलराइजेशन से बीजेपी की जगह कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो। उसकी जगह ये नजर आता है कि जितने काम महिलाओं के लिए किए गए, चाहे वो तीन तलाक हो, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो 33% आरक्षण हो, महिलाओं को ये यकीन दिला रही है कि उनके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। और यहाँ पर बात ये भी गौर करने वाली हो जाती है कि देखिए, तमाम योजनाओं को आप लाते हैं ये कहकर कि महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन एम्पावर्ड महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का मौका आ गया है, तभी जो पंक्ति की आखिरी नंबर पर खड़ी है महिलाएं, वो भी उनको देखकर आगे आ पाएंगी और हम एक दूसरे के लिए प्रेरणादायी साबित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब आधी आबादी को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, ये तो सस्पेंस जैसे हटेगा मध्य प्रदेश में, तब साफ हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में साय, अब छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने की चर्चा है। प्रदेश में आने वाले दिनों में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। सूत्र बता रहे हैं कि साय सरकार 17 जिलों के कलेक्टर्स को बदलने की तैयारी कर रही है। किस अफसर को कहां जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी एक संभावित लिस्ट बन चुकी है। डीजीपी की दौड़ में अरुण देव का नाम सबसे आगे चल रहा है। उनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हिमांशु गुप्ता और तीसरे नंबर पर हैं एसआरपी कल्लूरी। एसआरपी कल्लूरी का भी नाम है। इसके अलावा सेवानिवृत्त हो चुके आईपीएस मुकेश गुप्ता की वापसी की भी चर्चा है। 1992 बैच के अरुण देव गौतम सितंबर 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। वहीं 1994 बैच की एसआरपी कल्लूरी की रिटायरमेंट जो है वो 2031 में होनी है। अगर बात मुख्य सचिव की करें यहाँ पर ललित, तो इसमें भी कई नाम है और लगातार मंथन का दौर ये चल रहा है। 1991 बैच की आईएएस है रेणु पिल्ले, 94 बैच के आईएएस है मनोज पिंगुआ। जी, मुख्य सचिव की रेस में अभी आईएएस पिल्ले, आईएएस पिंगुआ से आगे चल रही है। वहीं दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ के कुछ अफसरों को वापस बुलाने की तैयारी भी की जा रही है। तो शासन तय हो चुका है, प्रशासन को तय करने की, बदलने की कसावट, कवायद शुरू हो चुकी है। और रेणु पिल्ले का नाम मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे चल रहा है। 91 बैच की आईएएस अधिकारी है रेणु पिल्ले। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। किस तरह से ये पूरी कसावट कवायद हो रही है, ममता से और बेहतर तरीके से हम जानकारी लेते हैं। ममता, क्या कुछ अपडेट है प्रशासनिक कसावट को लेकर? देखिए, जब भी सरकार बदलती है तो जाहिर तौर पर अपनी च्वाइस होती है और इस च्वाइस के आधार पर ही जो है तमाम तरह की पोस्टिंग्स होती है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो पुराने जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर भरोसा नहीं करते हैं और कई लोगों के पहले के भी करीबी होते हैं। अगर हम बात करें तो अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें जो लोग बने हैं उसमें कई पुराने मंत्री भी हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी अपनी पहली पसंद रही है। और इसके साथ ही कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको लेकर ये माना जाता है कि अपने काम में काफी दक्ष हैं और उनको लेकर जो है
वो किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति नहीं है या कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है प्रशासनिक कवायद की जाती है। और अभी अगर मौजूदा अगर हम बात करें तो ये कसावट इसीलिए की जाएगी, पिछली बार की अगर हम बात करें तो जब डॉक्टर अमन सिंह के समय जो अधिकारी थे, बाद में जब भूपेश बघेल की सरकार आई तो उस समय जो है वो कई चेंजेस किए गए, लेकिन उस समय उन अधिकारियों को भी अपने करीब रखा गया बाद में, जिनको लेकर लगातार कांग्रेस ने मोर्चा खोल के रखा हुआ था, चाहे वो अनिल टुटेजा की बात कहें, चाहे अरुण शुक्ला की बात कहें, सरकार उसका निजाम तो कहा भी जाता है, की बात कहें, तो ये भी लेकिन सर्जरी कब तक हो जाएगी? देखिए अभी मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ है और जाहिर तौर पर जब मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा उसके बाद में कई बार चॉइस भी पूछा जाता है और कई बार उनकी अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है जिसके आधार पर भी जो है वो तैनाती की जाती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मंत्रिमंडल में किसको क्या डिपार्टमेंट मिल जाए उसका बंटवारा हो जाए, उसके बाद में जो है एक बैठ कर हो सकता है कि बैठक भी की जाए, उस बैठक में एक तरह से निर्णय लिया जाए, जैसे कि कैबिनेट की पहले बैठक हुई है उसके बाद और बैठक की जाए और उसके बाद एक के बाद एक धीरे धीरे करके जो है वो अधिकारियों की तैनाती की जाती है, एक साथ कभी भी आदेश नहीं निकलते हैं। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो अभी ओएसडी की नियुक्ति हुई है, उसके बाद धीरे धीरे और भी ओएसडी की नियुक्ति होगी और उसके बाद निश सचिवों की नियुक्ति होगी। जी ये बात सही कही आपने और ममता बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। एक नाम जिसका जिक्र आया इस बीच वो है एसआरपी कल्लूरी और गजब, मेरा ख्याल है 5 सालों बाद इनका नाम हमने सुना होगा क्योंकि अभी भी रेस में सेकंड नंबर पर है, रेणु पिल्ले आगे चल रही हैं। जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एक के बाद एक लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम ने अब ऐलान किया है कि इंदौर भोपाल की ही तरह अब जबलपुर ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा और सीएम ने इसे सुशासन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था का संकल्प बताया है। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में 21 नवंबर 2021 को पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था। बड़े शहरों में अक्सर ही जब आपराधिक गतिविधियों की दर ज्यादा हो जाती है तो ज्यादातर आपातकालीन हालातों में लोग इसलिए उग्र हो जाते हैं क्योंकि पुलिस के पास फौरन निर्णय लेने के अधिकार नहीं होते। कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को ये अधिकार मिलते हैं, वो ज्यादा ताकतवर बनती है। पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए खुद ही मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाती है, यानी डिसीजन मेकिंग, और अब जब इस तरह के पुलिस को अधिकार मिलेंगे तो आपराधिक वृत्ति के लोगों पर जल्द कार्रवाई हो सकेगी। इस सिस्टम से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास सीआरपीसी के तहत कई अधिकार आ जाते हैं। पुलिस अधिकारी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जबलपुर और ग्वालियर कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री बेहद सख्त है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम कमिश्नरी उन्होंने दो शहरों में लागू कर दिया पर क्या उससे क्राइम कंट्रोल आगे होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उसके साथ साथ आज जो प्रदेश की स्थिति है, जो नौजवान बहुत उम्मीद के साथ आगे उम्मीद रख रहा है कि आगे उनके बारे में क्या ये सरकार सोचेगी, अब स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार जब बनी है तो मेरा मानना है कि अब कुछ कड़े फैसले नौजवानों के रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को लेने चाहिए, जिसका हम सब भी स्वागत करेंगे। बात जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर है, ये सरकार के पास में अपना अध्ययन है क्योंकि भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली रही है और अध्ययन के साथ साथ में तथ्य हैं उनकी विवेचना करते हुए सरकार जनता के हित में, प्रदेश के व्यापक हित में कोई निर्णय लेती है तो स्वागत योग्य है। और अब खबर इंदौर से है, ये लोगों को राहत देने वाली खबर है। दरअसल इंदौर के जो बिजी चौराहे हैं उन पर येलो जंक्शन बॉक्स मार्किंग अब होने लगी है। लैंडन चौराहे पर इसे लागू भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिन चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है वहां येलो जंक्शन बॉक्स बनाए जाएंगे और यहां इन तस्वीरों में आपको ये येलो जंक्शन बॉक्स किस तरह से ये काम करेंगे, किस तरह से क्या वाकई इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार आएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। ये रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जहां के ट्रैफिक को लेकर अक्सर सवाल भी खड़े होते हैं कि इंदौर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है या जो ट्रैफिक है वो उन शहरों में शुमार है जहां के ट्रैफिक हालात बद से बदतर वाली स्थितियां होती हैं। ट्रैफिक जाम की अगर बात करी जाए तो इंदौर में ज्यादातर लगते हैं और कहीं ना कहीं इंदौर की ट्रैफिक बड़ी समस्या भी है। अब चलिए एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इंदौर के लैटन चौराहे पर मौजूद हूं और एक तस्वीर देखेगा इन सड़कों से, शायद
इन तस्वीरों को देखकर लोगों को लग रहा होगा कि चौराहे पे कुछ पेंटिंग की गई है, जेब्रा या दूसरे पैटर्न में आपको ये पेंटिंग नजर आएगी, लेकिन इस पेंटिंग के ट्रैफिक के अपने कुछ मायने हैं। ट्रैफिक के लिहाज से इसलिए डिजाइन किया गया है चौराहे पर। अब आखिर ये क्या डिजाइन किया गया है, क्यों किया गया है, इसे समझाने के लिए हमारे पास में ट्रैफिक से सुमन सिंह है। इन सब जानेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है और ये क्यों बनाया गया है। देखिए, ये एक तरह की रोड मार्किंग है और ये जो रोड मार्किंग होती है ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग के तहत आती है। जैसे कि किसी शहर के ट्रैफिक को मैनेज करना है तो उसके लिए इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी फोर ही काम करते हैं। तो इंदौर में ट्रैफिक इंजीनियरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अब लोग समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि येलो कलर की बॉक्स मार्किंग है, ये येलो बॉक्स एक जंक्शन की तरह है। ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए इंदौर में एक और कदम उठाया गया है। खासतौर पर अगर इसकी बात की जाए तो देश में बेंगलोर में इसका सफल प्रयोग हुआ है, लंदन से इसकी शुरुआत हुई है। इसे समझना होगा कि अगर आप येलो जंक्शन बॉक्स में, तो उम्मीद करते हैं कि जब येलो जंक्शन बॉक्स यहां पर नजर आएंगे व्यस्त चौराहों पर लगे तो ट्रैफिक से निजात मिलेगी, क्योंकि वो बहुत समय खा जाता है आपका और आपको परेशान भी कर देता है। और इसी के साथ पांच की आंच में इतना ही। उम्मीद थी तब कि इतनी बड़ी विजय मिलेगी। कार्यकर्ताओं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के मेहनत से एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। आखिरी के कुछ महीनों में आप लोगों ने बेहतर किया या इसकी पृष्ठभूमि पहले शुरू हो चुकी थी, लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे। लोग तो कहते थे कि छत भाजपा मुकाबले में नहीं है। मैं लगातार इस बात को कहता था कि हर हालत में छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।